हेलो, राम राम जी, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? ठीक हो भाई सारे? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप सब ठीक है? हाँ जी, सब बढ़िया है। सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, आपको पता होगा जैसे कि कितने सारे लोग जो है बाढ़ की वजह से खो गए हैं। बस परमात्मा उनके वो मिल जाए। जो उनके परिजन है वो बड़े परेशान हो रहे हैं, जो बाढ़ आने की वजह से इधर पहाड़ों में वो लोग खो गए हैं। मिल जावे बस, वो ये दुआ है भगवान से। और जो अभी एक एक्सीडेंट हादसा जो हुआ है इधर, उसमें पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उनके साथ पूरी सभी लोग, आसपास के जितने भी लोग उनके पास हैं, सब उनकी मदद करें और उनकी सहानुभूति उनके साथ रखें। अपनी आस पड़ोस वाले लोग भी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल घड़ी चल रही है पूरे देश पे। क्या करें, परेशानी इतनी है। आज लाइव एक स्पेशल बात पे आना पड़ेगा। आज जो है एक छोरी हैगी, ये लफंगे बतावे किसानों को। मैं तो ताई का इंटरव्यू देखा, कंडेला वाली ताई का, घनी बढ़िया बोली ताई। आप सबसे पहले तो आपको थैंक यू, क्योंकि जितने भी है वहां पर बैठे हुए, मैं हरियाणा वाली जितनी मेरी बहन हैगी, मैं उनसे कहना चाहूँ, जो लड़कियां हैं उनसे कहना चाहूँ, ताई चाचियों से भी कहना चाहूँ हरियाणा वाली, इनसे इन ये क्या कर रही है, ये जो है सोनाली पुगाट, इसको कंट्रोवर्सी चाहिए, बस टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। इसलिए ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, उल्टे सीधे बयान दे रही है। इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ तो काम करेगी ना भाई। अब बिग बॉस वाला सिस्टम हो गया खत्म, और अब वो टिकटॉक भी बंद हो गया है ना, तो कुछ तो करेगी ना वो, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे बयान दे रही है। और जितनी मेरी हरियाणा की बहन है, जितनी सारी आंदोलन को सहयोग कर रही है, जो नहीं भी कर रही है, जो घर बैठ के सहयोग कर रही है वो भी, इसके मुंह ना आप बंद कर दो, कर दो आप। और क्या कहते हैं, बहुत जरूरी है, ये लफंगे बता रही है, शराब पीने वाले बता रही है, मुर्गे खाने वाले बता रही है, अनु के नाचने वाली औरत देख ले रहे हैं बॉर्डर पे, इसलिए बैठे हैं वो ठाली बॉर्डर पे, ऐसी ऐसे बयान दे रही। तो जितनी भी हमने तो हम 5.5-6 महीने तक तो लगातार रहे आंदोलन में, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करी। सिर्फ 2 दिन अब्सेंट करी थी, जब 26 जनवरी पे गैस का गोला फट गया था, चोट लगी थी मुझे, बस जब करी थी। बाकी 5.5-6 महीने तक एब्सेंट नहीं करी, तब ठीक था सिस्टम सारा। और अब जावे, अब भी ठीक है, अब कभी कदाक जावे, क्योंकि अब गांव के दौरे कर रहे हैं, गांव के किसानों का सहयोग चाहिए, गांव के दौरे कर रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा कि ये रात को शायद आती हो और ये नाच के जाती हो, इसीलिए तो ये कह रही है, क्योंकि आदमी वही काम कहेगा जो वो करता है। तो ये काम करती है, तो शायद ये आती है, ये नाच के चली जाती है, पता नहीं कद में आवे कद में नाच के चली जावे। और इसने इस बात का नहीं पता, इसकी आंख खुले है, हमारी रोटी खा गए, और हमें और हमारे भाइयों को लफंगे बता रही है। ठीक, उन्हें लफंगे नहीं बता रही, जो इसने ठा ठा के गाड़ी में बैठा के ले जावे। ठीक, ये क्या करना चाह रही है ये, इन्होंने 3-4 जो ये हैगी स्टार पिस्टार सी बनी फिर है ये, जो हमारे पैसे से, हमारे किसानों के बच्चों से देख देख के इनकी वो बढ़ावे थे हम टीआरपी, और इनका स्वागत करवावे थे, इन्हें नचावे थे स्टेजों पे। हम किसान ही तो करे थे, और कौन करे थे भाई? किसानों के बच्चे अपने शादी करा कर रहे थे, उस शादियों में इन्हें नचावे थे, इन पर बोलना आगा ज्यादा। इनको ये नहीं पता, जिस लिफाफे में वो पैसे रखे जाते हैं, जिससे इन खा करके जिस पैसे से अन्न से, वो हमारे पैसे होते हैं, इनको ये नहीं पता। ये लफंगे बता रही है, या इसने ये भी नहीं पता, या उन लफंगों को ही पैदा हो रही, वे भी हरियाणा के ही है, वे भी किसान ही है जिनके पैदा हो रही तू। ठीक, इतनी तहजीब नहीं है। ठीक है, किसी का समर्थन नहीं कर सकती तो शांति से नहीं बैठ सकती, क्या अधिकार है? और ये एक बात, और जो लड़के इसका विरोध करते हैं, ये उन पर मुकदमा करवा देती है, FIR दर्ज करवा देती है। तो इसलिए जितनी लड़कियां हैं सारी की सारी आवे इसके, और इसके विरोध में वीडियो बनावे और इसको वो करे, और इसका जो बोल रही ना, मैं बता के जाऊंगी, लाइव करके जाऊंगी। सारे काम होने चाहिए शांति से, कोई लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए आप लोगों की तरफ से, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये ज्यादा ही कुछ कर रही है। ठीक है, हमने तो कभी नहीं बोला भाई आप क्यों नाचती थी, क्योंकि पर्सनल लाइफ है आपकी, आप डांसर थी, क्यों नाचती थी, हमने कभी नहीं बोला इसको, लेकिन अब मजबूरी हो गई बोलना, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, हमारे घर परिवार में शादी ब्याह होंगे, हम भी नाचते हैं, हम भी नाचेंगे अपने घर परिवार के शादी ब्याह में, आगे भी नाचेंगे, वो हमारी पर्सनल लाइफ है ना। पर्सनल लाइफ में हमें किसी की ज्यादा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसको अधिकार नहीं है, हमारे भाइयों को और हमारे किसान बुजुर्गों को ये कहवे लफंगे है, उन लफंगे कोई पैदा हो रही, ध्यान रख लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा
ये लफंगों का पैदा हो रही, जभी तो ये ऐसी बात कर रही। कितने सभ्य लोग होंगे इसके माँ बाप जो इतना इसकी वजह से वो सुन रहे हैं, वे भी किसान ही है ना, सारे किसानों को बोल रही लफंगे। तो सारों में तो तुम्हारे माँ बाप भी आ गए भाई, तुम्हारे माता पिता भी आए नहीं आए, वे भी हरियाणा से है, दिमाग ठीक नहीं है इसका मतलब। ज्यादा जो लिफाफे में वो पैसे धरे जावे ना तुम लोगों के, हमारे धरे जावे, हम देते हैं और उसी से आंख खुलती है तुम लोगों की और उसी से तुम सोते हो। और हमें लफंगे दारू की बोतल बता रही है, दारू पी रहे वहां ठुमके लगा रहे, मुर्गे खा रहे, ये खा रहे। एक आध बार नमक मेरे चेक करके ही दिखे थी वहां मुर्गों का, जो मुर्गे बन रहे बॉर्डर पे, एक आध बार चेक करके ही होगी नमक मिर्च। और जो बता रही वहां छोरी नाचने को जा, मैं एक आध बार गई होगी या यही आती होगी शाम को, ऐसा लग रहा मुझे। तो इसकी थोड़ी जांच पड़ताल सी करो कि कहीं यार रात को नाचने तो नहीं आती वहां पे, जभी तो कह रही है यार, जभी तो इल्जाम लगा रही। ये शर्म ना आती आपको, इतनी इतनी बेशरम औरत हैगी, इतनी बेशरम बीरबानी भी हमने खैर ना देखी, हजार बार इसका ये सोच रही है कि टीआरपी बढ़ के मैं मुझे मोदी जी डायरेक्ट चेयरमैन बना देंगे काई की, मोदी मोदी जी चिल्ला चिल्ला गए जैसे संबित पात्रा मोदी जी कर करके बन गए चेयरमैन, ये सोच रही है मुझे भी बना देंगे। चापालूसी करने से कुछ नहीं होता, सही काम करने से। आपकी सिस्टर है वो कभी नहीं ऐसी बात करती, जो रितु फोगाट है वो कभी ऐसी बात नहीं करती है? आप क्यों ऐसी बात करती हो, इतनी तहजीब नहीं आप, आपको क्या कहे जा रहे हो है? पार्टी आज है कल नहीं होगी, और देश की जनता हमेशा थी और हमेशा रहेगी, और जितने भी गांव वाले हैं वे भी हमेशा रहेंगे और हरियाणा वाले भी रहेंगे, इस बात को ध्यान कर लिए ठीक। वो तो ना बोलती रितु फोगाट कोई भी किसानों के बारे में विवादित बयान नहीं देती, तू दियो जावे इसी चीज का खारी बयान देने देने का। हम तो बोलते नहीं किसी की पर्सनल लाइफ में, भाई आपकी लाइफ है, आप डांसर बनो, बिग बॉस विनर बनो, कुछ भी बनो, खतरों के खिलाड़ी में जो कुछ करो, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ है। तुम कैसे किसी को बोल सकते लफंगे हो? सर्टिफिकेट बांटने लग गई क्या सरकार ने, काम दे दिया सर्टिफिकेट बांटने को इसको है? इसका पूरा का पूरा शांति से पूरा विरोध करो, इसका सारा विरोध करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं इसके गोत वाले भी, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का ये बयान दे दे के आपके उसको भी खराब कर रही है। देखा नहीं ताई जी ने क्या बोला, खराब कर रही है ये आपके उस सिस्टम, और भी लोगों के मन में कैसी छवि आ रही होगी है? इसका आप बायकॉट नहीं कर सकते हो आप? एक एक औरत नहीं संगवाई मारी भाई, हमने वहां संगवाई में कर दी थी, वह बहुत उछल रही थी कंगना, थारी तक वो भाई है, दिमाग से भी काम ले लिया करो ठीक है, अपने अपने विचार है। लफंगे आए थे, लफंगे मनु कह रहे थे इसको खींचो, खींची तू खींच दी क्या किसी ने? हम मुखा बयान देने लग रही, खराब खराब माहौल को खराब करना चाह रही है सारी की सारी सिस्टम को। ये क्या कर रही है, ये ऐसी ऐसी हरकत जानबूझकर कर रहे हैं। अभी मंत्री जाते थे इनके प्रोग्राम में तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता था, शांति से करते थे, वो चाहते थे कि बिगाड़ खाता। अभी ये इन्हें भेज रहे लड़कियों को, अभी इन्हें जानबूझ के भेज रहे ताकि कम कम उम्र के लड़कों पर मुकदमा हो सके, FIR हो सके, इसलिए क्योंकि वो इनका विरोध करेंगे तो ये उल्टी सीधी चीज लगाएंगी कि उसको खींचो, इसको लड़की को खींचो, इस तरीके के बयान, हमें खींचा, हमें छेड़ा, ये करा वो करा। ये ऐसे ऐसे बदनामी की छवि देने के लिए आ रही है और किसी काम के लिए नहीं आ रही है। रितु फोगाट ने इतना बढ़िया काम करा था, नाम करा था देश का है? पूरे पूरे देश ने सम्मान करा, कम से कम वो कुछ नहीं फेवर में बात नहीं करती तो गलत तो नहीं बोलती ठीक है। अगर हमारे विचार पसंद नहीं आ रहे, यही तो कह सके कि विचार पसंद नहीं आ रहे, किसान गलत कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ऐसे ही तो कह सके, नू थोड़ी कह सके। लफंगे दारू पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, इतने इतने बुजुर्ग वहां बैठे हुए, थोड़ी माड़ी सी शर्म कर ले लाली है। ज्यादा बुलवाना चाह रही हो तो हम ज्यादा बोलने वहीं आ जाएंगे, हद्दी हो गई कतई। कितने कितने लोगों ने बनाया तुम लोगों को, ये नहीं दिख रहा क्या? पार्टी ने तुम्हें बनाया? हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने अपने घर में काय को शादी फंक्शन में वीडियो डाली डांस की, क्यों आप डांस करती हैं? हमने तो नहीं कहा, क्योंकि हमें पता किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। तू कहे तू बार बार उल्टे सीधे बयान दे रही, इसी चीज का खारी क्या उल्टे सीधे बयान देने का? जितनी भी हरियाणा में आंदोलन में सहयोग कर रही है मेरी माता बहन, मेरी ताई चाची जितनी भी है सारी, और जो फोन पे भी कर रही है ना सारी, इसकी वीडियो बना करके वो करो इसका, क्योंकि यह बाज ही नहीं आ रही है। लफंगे बता रही, उन्हें पता ही ना उन्हीं लफंगों के पैदा हो रही है, वे भी किसान ही है ना है? वे भी शर्मा रहे होंगे तेरी वीडियो को देख के, वे भी जो तेरे माँ बाप है, माफ करना अंकल जी आंटी जी, इसको नहीं आप रोक सकते हो,
ये क्या बके जा रही है हम लोगों के बारे में, हमारे इतने बुजुर्ग बैठे, इतने किसानों की सागत हो गई, फूटे मुंह से दो शब्द तो उनके लिए निकले नहीं श्रद्धांजलि के, है बकवाद कर रही है अंकल जी आप, इसको डांट नहीं सकते अपनी बेटी को है कि तू कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो कुछ गलत भी तो मत कर किसानों को सहयोग, कोई तेरे से सहयोग की भीख मांग रहे है? आप बोल नहीं सकते आंटी अंकल इसको, अगर हम भी अगर गलत है आपकी बेटी जैसे है तो आप हमें भी डांट सकते हो, आपको अधिकार है आप हमसे बड़े हो, तो क्या आप अपनी बेटी को नहीं डांट सकते इसे खुली नाच करके छोड़ रखा या कोई यहां पे सारे के सारे ये लड़कों को बदनाम करने के लिए जो कम उम्र के लड़के उन पे एफआईआर कर देती है, फटाक से एफआईआर करवा देती है, तो इसका इसलिए लड़कियां और महिलाएं आ गया हमें इसका विरोध करने के लिए, ठीक देखिए कौन से लोंडी इसने छेड़ देगी है ना, लड़कों पे तो इल्जाम लगा देवे ना मुझे खींचा ताना ये करा वो करा लफंगे बैठे ये बैठे, लड़कियों को कह देगी क्या ये मुझे छेड़ा, इसका ऐसी का कोई भरोसा भी ना कह सके लड़कियों ने छेड़ा है, छेड़ने को इतनी खूबसूरत हैगी तू, इतनी खूबसूरत है घनी स्नो वाइट हैगी के है? बार बार विवादित बहन में का चलो कोई बात नहीं है लड़की है लड़की है, इतनी हार की इतनी तकलीफ हो रही है क्या है? जो बंदा हार बर्दाश्त नहीं कर सकता जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो हार गई इस चीज का फ्रस्ट्रेशन निकालने लग रही, दिमाग ही नहीं है पता नहीं क्या, एक बार हारी है वही जिंदगी में और स्ट्रगल करो मेहनत करो क्या पता जीत जाओ है? या इन विवादित बयानों से कुछ हो जाएगा, पार्टी कितने लोग दे देगी तुम्हें, कितने बंदे दे सकती है पार्टी, क्या गांव समाज दे सकती है पार्टी, क्या सम्मान दे सकती है पार्टी है? अगर आप अपनी पार्टी में है अच्छी बात है, अपनी पार्टी की तारीफ करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमारे खिलाफ क्यों उल्टा सीधा बोल रही है? पार्टी अगर आप पार्टी में अगर आपकी पार्टी गलत कर रही है तो आपको पार्टी के नहीं बोलना चाहिए विरोध में, या पार्टी की इतनी इतनी दलाली कर ली इतने तलवे चाट लिए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, पार्टी में होकर भी विरोध करना चाहिए अगर कोई गलत बात है तो है? मत करो आप अपनी पार्टी का विरोध, तो आपको किसने अधिकार दिया लुच्चे लफंगे बोलेगी है? ब्याह करके अभी जहां गई है वे भी लुच्चे लफंगे थे क्या है? फिर शादी क्यों करी लड़कों से हरियाणा के से, क्यों शादी करी किसी लड़के से जब सारे किसानों के बालक ही लफंगे, इसलिए लड़कियों को और महिलाओं को, जो मेरी ताई है ना कंडेला वाली ताई, बिल्कुल सही करा आपने, आप और आ गया हो ताई, और भी जितनी है उन्हें लेकर आओ आ गए, लड़के लड़का ना पीछे रखो क्योंकि ये बदनामी दे देगी लड़कों को कि मेरे को छेड़ा, तो आप जो है ताई आ गया हो, चाची आप भी आ गया हो, जितनी मेरी बहन है वो आ गया, मैं इसके विरोध में उन्हें ही आगे रखना भी है जहां भी जावे, और मेरी जरूरत पड़े तो जितने भी है सभी मेरे जानने वाले उधर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, मैं आ जाऊंगी, हम ही आगे रहेंगे, अब तेरा विरोध करण में हम ही लड़के ही आगे रहेंगे, लड़कों को तो बदनामी दे देगी एफआईआर करवा देगी उन्हें जेल भिजवा देगी उनकी लाइफ खराब कर देगी, लड़के ही आगे रहेंगे यार, हम ही आगे रहेंगे, आ रही हूँ बहुत जल्दी हरियाणा, ठीक है कह रही है ना कि मैं बता के जाऊंगी ये करूंगी, हमें अधिकार है विरोध करने का, और हम देखेंगे मारे के फांसी तोड़वा देगी, हम देखेंगे आ रहे हरियाणा, ठीक है, और जितनी भी लड़कियां हैं सारी लड़कियां आ गए हैं मैं इसका विरोध करने में, सारी ताई आ गए हैं मैं इसका विरोध करने में, इसका कोई भरोसा नहीं, इन्हें तो पैसों के सिवा कुछ दिखी नहीं रहा, इन्हें तो दलाली के सिवा कुछ दिखी नहीं रहा, किस पे क्या इल्जाम लगाना है, ये चीज इनके शर्म इज्जत कोई चीज नहीं है, ये चीज भी सभ्य लोगों में होवे जो लाख बार सोचेगा किसी पर इल्जाम लगाने पर, लाख बार कि हाँ इसमें मेरी भी छवि खराब है, ये नहीं सोचने कि इनका दीन ईमान नहीं रह रहा, इसलिए लड़कियां आगे रहे मैं, चाची ताई मेरी ज्यादा आगे रहे मैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हरियाणा की जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं युवा हैं वो उन तक पहुंच सके कि ये ऐसे काम कर सकती है, सभी लोगों को पता है ऐसे काम ये कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा इस बात को मेरी पहुंचावे, और आ रही हूं हरियाणा बहुत सारी महिलाओं के साथ मैं करूंगी विरोध, ठीक है मैं यूपी तो आ रही करने के लिए विरोध आपका, और देखना आप कौन से मेरे पे छेड़ा खानी के लगाओगी मुकदमे या कहे के लगाओगी, देखेंगे हम भी, तब तक अपना ध्यान रखें, लड़कों से रिक्वेस्ट है युवाओं से मेरे युवा साथी भाइयों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि महिलाओं को आगे करें, ये जहां भी जा रही है आप पीछे रहे क्योंकि इनका दीन ईमान नहीं है, आपका करियर भी है आपके माता पिता भी हैं उन्हें भी देखना, मेरे जैसी बहन भी है उन्हें भी देखना, तो इसलिए बहनों को ही आप आगे करें, चाची ताइयों को आप आगे करें, तब तक अपना ध्यान रखें, और ये जो है ज्यादा ही कुछ खुली घूम रही है, ठीक है इसका भी ठीक ठाक सा करना पड़ेगा विरोध,
और करें विरोध करें अधिकार है, लेकिन किसी दंगे से किसी लड़ाई से नहीं, शांति से हर चीज शांति से, बस इतना मैं कहना चाहूं। बाकी तब तक अपना ध्यान रखें, और जो तलवे चाटने वाले वे तलवे चाटें, और जो काम करने वाले वो काम करें, और जो हिम्मत वाले वो अपनी हिम्मत को बरकरार रखें, और जिनमें सच के लिए बोलने की ताकत है वो ताकत को बरकरार रखें, और जिनमें सिर्फ तलवे चाटने की आदत है वो तलवे चाटने तक रहें, क्योंकि वो तलवे चाटने तक ही सीमित रहेंगे। बार बार बोल रही हूं, वहीं तक सीमित रहेंगे। इतिहास कभी नहीं लिखे जाते तलवे चाटने वालों के, इतिहास उनके लिखे जाते हैं जो सच को बोलते हैं और झूठ का विरोध करते हैं, ध्यान रखना ठीक। और इनकी जितनी पिक्चर विक्चर है, ये जितनी ये पिक्चर विक्चर है इनका वो करें, इनकी पिक्चर विक्चर ना देखें। एक बनान लग रही वो इंदिरा गांधी जी पे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पे पिक्चर बनान लग रही अपनी इमरजेंसी कंगना, इसका भी विरोध करें, क्योंकि ऐसी महान मूर्ति जो थी उनका रोल करने लायक है क्या ये है? उनका रोल करने लायक है जिन्होंने देश के लिए इतनी मेहनत करी थी, जो देश के लिए जेल गई हजारों बार, झांसी की रानी हमारे देश के लिए कितनी मेहनत करी उन्होंने, अपनी जान तक लगा दी, ये उनके रोल करने लायक है। इनकी पिक्चर ना देखें, एक भी रुपए की कमाई ना हो जाए ना पूरे देश से, ठीक। जो तलवे चाटने वाले बस वही करें, करवा में इनकी कमाई, एक आध फोटो फाटो तो खिंचवाई लेगी इनकी गैल में, ये पिक्चर देखेंगे तो उनकी, इनकी पिक्चरों का भी विरोध करें। इनकी इतनी वो नहीं कि हमारी स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के लिए जान देने वाली महिलाओं के ये रोल करें, इनकी नहीं इतनी हैसियत। तब तक अपना ध्यान रखें सभी, और बकवास करने वाले बकवास करने में लगे रहे, हमें कुछ नहीं करेंगे वो, इसलिए आप अपना काम करो, आपको जो करना है वो करो, अपना कर्म करो, इनके चक्रों में मत आओ, ज्यादा इनके चक्रों में मत आओ, और बस विरोध करो शांतिपूर्वक जैसे आप करते आ रहे हो। ये बदनाम कर रहे हैं लेकिन शुक्र है होते नहीं है, परमात्मा होता है साथ में। बस अब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।